मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन है ये, अपने जीवन में जरूर उतारे इसको, ऐसे करके उतार लें। ठीक है, मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूं और आज हमारी एक्सरसाइज है 10.1 का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 जाके नहीं देखा है तो कृपया करके बस में बैठकर देख ले उसको। और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.1 का। कल हमने एग्जाम्पल किए थे, आज एक्सरसाइज करेंगे। सर डायरेक्ट 11 पर कैसे आ गए, ये माइंड में आ रहा होगा। सर चीटिंग कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए, और कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो वही है आपके जो एनसीईआरटी वाले ही है, ठीक है ना। तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी लिखा हुआ भी देखो क्वेश्चन के आगे एनसीईआरटी। तो बार बार वही क्वेश्चन तो क्यों कराए, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो करा दूंगा वैसे, चलो मना आप ही कहोगे सर क्यों पका रहे हो, ये तो करा दिया ना आपने। चलो तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं अपन 11 क्वेश्चन। देखो 11 क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए मैंने इसको पकड़ा है। इफ 3 cot θ = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin θ - 3 cos θ / 2 sin θ + 6 cos θ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था tan θ का, उसमें अपन ने क्या किया था, इसमें डिवाइड कर दिया था किसी चीज से, cos से डिवाइड कर दिया था। लेकिन मैंने कल आपको कहा भी था अगर कोट आ जाए तो क्या करेंगे, तो चलो एक बार देखते हैं इसको। आओ मेरे साथ साथ पिकनिक पे चले। अगर कोट आ जाए तो क्या करेंगे, पहले तो जो गिवन है हमें वो लिखो यहाँ पर। कोट θ = ये 2 और ये 3 इसके नीचे ले जाओ, 2/3। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो किसी चीज से डिवाइड कर दो या पाइथागोरस लगा दो। तो डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहेगा, पाइथागोरस भी मैंने आपको बता रखा है, कल का वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 4 sin θ - 3 cos θ इसमें किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, जिस देखो अगर साइन से करते हैं, ध्यान से सुनना, साइन से करते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, cos/sin आ जाएगा। cos/sin क्या होता है, हमारा कोट होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। अगर इसको cos से करते हैं तो देखो sin/cos और cos से cos कट जाएगा, sin/cos क्या आ जाएगा हमारा, tan आ जाएगा। लेकिन हमें tan नहीं चाहिए, यहाँ पर कोट भैया चाहिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोट। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, साइन से करेंगे, ठीक है ना। नीचे भी कर देंगे 2 sin θ। देखो मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि साइन से क्यों करेंगे, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा sin θ, बस डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन ही खत्म हमारा। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेशन कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 4 sin θ - 3 cos θ - sin θ - 3 cos θ / sin θ / 6 cos θ / sin θ, ठीक है ना। सेपरेट किया है और कुछ नया काम नहीं किया अपन ने, सिर्फ अलग अलग सेपरेशन किया है। देखो साइन से साइन कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास, 4 cos/sin। cos/sin क्या होता है हमारे पास, आपको भी ऐसे एग्जाम में भी लिखना है, cos θ / sin θ। तो ये हो जाएगा हमारा cot θ। सिर्फ आपका 10% सिलेबस जो है ना वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना 4 या 5 मार्क्स के, उसमें 10% का रिडक्शन हुआ है। मेरे हिसाब से तो आपको सारे करना चाहिए क्योंकि आगे आपके प्रॉब्लम आएगी। तो मैं तो आपको 100% सिलेबस कराने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा cos/sin क्या हो जाएगा, 3 cot θ / sin से sin कट गया 2 + cos/sin cot θ। जो यूट्यूब पर वीडियो बना के चिल्ला रहे हैं ना, वो 10% कम हो गया, 10% कम हो गया, उनको मैं बता दूं कि ऐसा ना करें। 10% कम होने का मतलब है अभी तो आप चलो निकल लोगे आगे 10th में, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हम पूरे साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हुए हैं। तो आगे आप कंपटीशन करोगे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसके बाद जेई, आप आईआईटी करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो 9th और 10th वाले काम आएंगे। इसलिए प्लीज़ मिस गाइड ना करें हमारे प्यारे प्यारे ब्रदर और छोटे छोटे जूनियर स्टूडेंट को। तो देखो कोट क्या हो जाएगा, कोट थीटा आ गया और ये कोट थीटा आ गया। कोट थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2/3। मैं तो आपको सारा ही कराऊंगा। 4 - 3 × 2/3 और यहाँ पर भी रख दो 2 + 6 × 2/3। ठीक है, देखो 3 से 3 कटेगा, 3 से ये कट रहा हमारे 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 - 2। 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, 3 से ये कटा हमारे कितने बार 2, 2 × 2 4, तो 2 + 4। क्लियर है ना। देखो वापस समझा रहा हूँ, 6 कट रहा है किससे, 3 से 2 टाइम कट रहा है, 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये 2 ऐसा कैसे आ गया, तो 4 में से 2 माइनस जाएगा, कितना रहेगा 2, और नीचे कितना आ गया 2 + 4 6, तो ये हो जाएगा 1/3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अगर आप पाइथागोरस से करते हो ना, तो पाइथागोरस से भी मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ तक अलग आएगा, यहाँ से फिर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस से भी कर सकते हो आप इसको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, देखो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इफ tan θ = a/b, तो प्रूव करना है a sin θ - b cos θ / a sin θ + b cos θ = a² - b² / a² + b²। देखो इसमें क्या करना है आपको, कि आपको इसको 10 कैसे बनाओगे, इसमें डिवाइड कर देना cos से, ऊपर भी cos से नीचे भी cos से, या तो ऐसे कर लेना या फिर पाइथागोरस से कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको, मतलब वो डिजिट वाला था, इसमें a और b दे रखा, बात एक ही है, तो आपका कट जाएगा a² - b² ऊपर, और नीचे आ जाएगा a² + b²। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे हम। इफ sec θ = 13/5, सो डेट 2 sin θ - 3 cos θ / 4 sin θ - 9 cos θ = 3। देखो वो जो मैंने आपको डिवाइड करना बताया ना, वो आप सिर्फ tan और cot में लगाए, ऐसे क्वेश्चनों में नहीं लगाए, क्योंकि लगने वाला है नहीं, तो इसलिए अपन उसमें नहीं लगाएंगे, और क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, हैवी ड्राइवर बन जाएंगे और बेटा मौज कर दी, तो इसलिए इसमें नहीं लगेगा, इसमें आपको पाइथागोरस से ही निकालना पड़ेगा। चलो पाइथो भैया यूज करते हैं, सॉल्यूशन का पता नहीं, यूजिंग पहले ना इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, sec θ = 13/5, तो sec थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस/बेस कोस का उल्टा। हाइपोटेनियस कितना है हमारा, AC/बेस BC, तो ये है 13, ये है 5। अब लगाओ पाइथागोरस, यूजिंग पाइथा, पाइथन एक सांप भी तो होता है ना, पाइथागोरस कौन सा होता है, पैंथर पाइथन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं, पाइथन होता है ना एक सांप भी, हमारे टीम के कह रहे नहीं होता, अरे होता है भैया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ध्यान से, AC² = AB², या ऐसे लिख लो BC² + AB²। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर = बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा हमारा 13/2, BC कितना हो जाएगा 5/2। जो ही बंगाल में हमारी ममता दीदी जीते और खुशी की जगह माता मन रहा है, वहाँ पर गलत है ना, ये तो AB²। जीतने की खुशी में लोगों को मारा जा रहा है, वाह वाह क्या बात, क्या डेमोक्रेसी है। AB² = देखो AB निकालना है हमें, परपेंडिकुलर P निकालना है, तो इसको एक काम करो, 5 को इधर ले आओ, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 144, और 144 का रूट क्या होता है हमारा, ये होता है 12। इतना तो हमें पता भैया, इतना तो पता है हमें, बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों साइड निकाल ली, तीनों साइड निकाल ली। अब इसका करेंगे अपन तारारा, तारारा कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास और कोस थीटा क्या होता है, वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12/13, इसको यहाँ लिख देते हैं। और कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5/13, मतलब कोस का सेक का उल्टा। दोनों वैल्यू आ गई, पाइथा भैया लगा दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा -9 cos थीटा। मैंने मेरा वीडियो देखा था, उसमें जब ऐसे लिखता हूँ ना मैं, तब यहाँ से गर्दन नहीं दिखती है, तो ऐसा ना सोचे सर की गर्दन नहीं है, सर की पूरी अच्छी सी गर्दन है। देखो है ना, ये देखो 4 sin थीटा, तो 2 sin थीटा क्या हो जाएगा 5/13 -3 इंटू कोस क्या हो जाएगा, सॉरी 12/13, साइन का तो ये होगा ना, साइन का 12/13 और कोस का क्या हो जाएगा 5/13 अपॉन, सेम वो का वही नीचे लिख दो 4 इंटू साइन कितना है 12/13 -9 इंटू कोस क्या है 5/13। सिर्फ वैल्यू पुट की है और हमें क्या लेकर आना है, 3 लेकर आना है, छोटा सा 3। तो देखो ये देखो ध्यान से, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24/13 -15/13, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 4, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48/13 -45/13। क्लियर है, देखो डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, तो एलसीएम सेम आएगा हमारा, तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर तो 13 का, ये तो हमारी लहर बन गई, समुद्र में लहर चलती है ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 24 -15। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 24 -15 ये ऊपर आ जाएगा और एलसीएम 13 आ जाएगा, नीचे भी सेम हो जाएगा 13 48 -45, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐसे रहेगा भैया। क्या करें, 24 में से 15 जाएगा, कितना रहेगा 9/13, इसको उलट दो, जज्बात पलट दो इसके, तो ये हो जाएगा 13 और 48 में से 45 गए तो 3। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा, कितना बच गया 9/3। ठीक है ना, 9 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 3, 9 में अगर 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा, और हमें क्या निकालना है 3 निकालना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गई थोड़ी देर में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ कोस थीटा इक्वल टू 12/13 है, कोस हमें दे रखा है 12/13, सो डेट साइन थीटा 1 - tan थीटा इक्वल टू 35/156। तो चेक करते हैं कि क्या LHS और RHS को, LHS को सोल्व करने पर RHS आ रहा है क्या हमारे पास। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है हमें, cos थीटा इक्वल टू 12/13, 12/13। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है हमें 12/13 यूजिंग, पहले तो ये लिखा लो 12/13 क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC। बेस कितना आ गया बेस हमारा आ गया 12 और ये हो जाएगा 13। क्लियर है, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब लगाओ पाइथा भैया, पाइथा जी लगाओ यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा गो भागो रस, रस लेने, पाइथागोरस थ्योरम। ओके ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, चंद सेकंड में जिंदगी बदल सकती है, चंद सेकंड, मात्र चंद सेकंड में। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। AC क्या हो जाएगा हमारा 13 का होल स्क्वायर, BC क्या है 12 का होल स्क्वायर और AB क्या है, बस तीनों साइडें निकाल लो, दो देर की तीसरी निकाल लो पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB का होल स्क्वायर, इसको अलग से ले लो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 169 में से अगर 144 माइनस करते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा हमारा 25, ठीक है ना, यही बचेगा ना। तो AB नहीं भी बचेगा तो अपन बचवा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 25। ओके तो ये क्या हो गया हमारा 25 का रूट क्या होता है 5, बस बस ये क्या हो जाएगा 5। ओके क्लियर है। तो AB भी आ गया, BC और AC तो पहले ही था, तीनों साइडें निकल गई। अब देखो साइन थीटा निकाल लो, सेम वो का वही तरीका है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा और हम भी घूम जाते हैं, ठीक है ना। तो और टेन थीटा, मस्ती वाले वीडियो मैं आपके DL Academy फन पर डाल रहा हूँ, तो आप मस्ती वहाँ पे कर सकते हो, पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 5/13 और टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। बस देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो पाइथा भैया निकालना है, पाइथा में हमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है। साइन थीटा 1 - tan थीटा, एवरी क्वेश्चन में यही करना है, एवरी क्वेश्चन में। साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13 और 1 - 5/12, साइन की वैल्यू रख दी और टेन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 5/13। देखो एलसीएम लो कितने का आएगा 12 का, ये हो जाएगा 12 - 5, क्लियर है। तो ये कितना हो गया हमारा 5/13 इंटू 12 में से 5 गए 7/12, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 और 13 × 12 कितना हो जाएगा हमारा 156। ओके तो यही हमसे पूछ रहा था और यही हमसे हमने निकाला है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। देखो इस बार का जो पहले क्या हुआ था आपका 30% कोर्स रिड्यूस हुआ था, उसके बाद क्या हुआ आपके एग्जाम ही कैंसिल हो गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं जो भी यूट्यूब पर अफवाह, दो चीज़ की बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाई जा रही है यूट्यूब पर, एक तो ये कि इस बार भी एग्जाम कैंसिल होंगे और 10% कोर्स रिड्यूस हो गया। अरे भैया 10% कोर्स रिड्यूस हुआ है ना, वो एक पैंडेमिक चल रहा है अभी, महामारी, उसकी वजह से हुआ है, आई नो, बट इसमें बच्चों का लॉस है, समझो मेरी बात। आगे जाके जब फ्यूचर में आप IIT JEE या कोई भी UPSC करोगे, कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 9 और 10 का बेस ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इस बार हमारे पास वैक्सीन है, तो इस बार एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि 2-4 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर वैक्सीन लग जानी है। आप भी जो भी 18 साल से ऊपर है वो भी वैक्सीन लगा लो, अभी सेंटर अलॉट नहीं हो रहे लेकिन हो जाएंगे जल्दी, ठीक है ना। तो 4-5 महीने में पूरा ही वैक्सीन लग जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नीचे जाएगा 100%, क्योंकि दुख आता है तो सुख भी आता है। इसलिए अफवाहों में ना रहे कि 10%, मैं मान रहा हूँ 10% आपका रिड्यूस हुआ है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 और 5 मार्क्स के, पहले 60% आते थे, अब 50% आएंगे, लेकिन आप अपनी जो सिलेबस है वो 100% के हिसाब से तैयारी करें, जिसको आगे अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना है। मैं आपको 100% ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो फालतू जो वीडियो है उनको स्किप कर दो, देखना ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन को अपने वॉश करते अच्छे से धो देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, पढ़ते रहो और मज़े भी करते रहो साथ साथ में, लेकिन घर पे ही करो क्योंकि बाहर अभी खतरा है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ऑन कर दो। लव यू सो मच, बाय बाय।